गुलत स्वागत है आपका एएनटीवी में। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक गोडाउन में लगी आग 15 घंटे बाद भी बुझाई नहीं जा सकी है। आग इतनी विकराल है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद मांगी है। फिलहाल हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वहीं आग की दहशत की वजह से आसपास रहने वाले लोगों ने पूरी रात अपने घरों से बाहर खुले में गुजारी। खौफ का आलम यह था कि लोगों ने घरों में रखे कीमती सामान तक को समेट लिया था। गोडाउन के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि मंगलवार शाम को जब आग लगी तो उसे बुझा लेने का दावा किया गया था, लेकिन शाम को जब तेज हवा चलनी शुरू हुई तो आग फिर तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं एक व्यक्ति ने बताया कि गोडाउन उसके घर से सटा हुआ है, इसलिए उसने सारा सामान समेट कर कार में रख दिया। आग की वजह से वो जनकपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। बता दें कि जहाँ आग लगी है उसके एक तरफ निरंकारी पब्लिक स्कूल है तो दूसरी तरफ रिहायशी इलाका। ये आग आसपास के मकानों को भी अपने चपेट में ले सकती है, इसलिए उन मकानों को खाली करा लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रिहायशी इलाके में रबर और केमिकल का गोडाउन बनाने की इजाज़त किसने दी थी। ये गोदाम गैरकानूनी तौर पर बनाया हुआ था। पुलिस अब इस बात की भी जांच करेगी। इस आग के तेजी के फैलने की एक और वजह गोडाउन में रखे केमिकल और रबर के ड्रम भी हैं। आग और ना फैले इसके लिए रात में प्रशासन ने केमिकल के ड्रमों को बाहर निकलवाया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कपड़े के गोदाम में भी भीषण आग लगी है। बुधवार सुबह करीब 4:15 पर यह आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनटीवी। नमस्कार।